नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में अब पैतृक जमीन के बंटवारे के लिए केवल 100 रूपये का लगेगा स्टाम्प और निबंधन शुल्क। बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मिलिंद कुमार सिन्हा छेड़खानी के आरोप में किए गए निलंबित। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर किया जाएगा। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए हो रहा है मतदान, देर रात तक जारी होंगे परिणाम। राज्य सरकार ने भूमि विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से पैतृक और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर लगने वाले शुल्क को 100 रूपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मध्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुभानी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य में भूमि विवादों के निपटारे के लिए जमीन के पैतृक और पारिवारिक बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों को निबंधित कराने पर पहले संपत्ति के मूल्य का 5% शुल्क देना होता था। प्रधान सचिव ने बताया कि पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर अब 100 रूपये की दर निर्धारित कर दी गई है। वहीं संविदा कर्मियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में बेल्ट्रॉन में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 4 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है। एक अन्य फैसले में सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के बाद अब गांव में भी प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल और पक्की गली नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित बिहार विकास मिशन के शासी इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों को अपने क्षेत्र में जाकर कम से कम 10 पंचायतों के 5-5 वार्डों में इस योजना की जांच और पंचायती राज विभाग को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी है। पटना में 3 दिवसीय रोजगार मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जापान में भारत के 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए भारत और जापान के बीच MOU हुआ है। श्री प्रसाद ने कहा कि जापान को कुशल लोगों की जरूरत है और भारत के युवा इस जरूरत को पूरा करेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मंझोले उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज बिहटा में औद्योगिक क्षेत्र के सिकंदरपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रदर्शनी व्यापार मेले और राष्ट्रीय SC/ST हब स्टेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित विकास संस्थान के निदेशक संजीव चावला ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण विश्व बैंक के सहयोग से किया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से इसके लिए 15 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। पटना उच्च न्यायालय ने दारोगा बहाली परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार से संबंध में जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को 8 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। दारोगा की नियुक्ति के लिए इस वर्ष 11 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। पटना जिला व्यवहार न्यायालय में ई कोर्ट फीस की सुविधा शुरू हो गई है। ई कोर्ट फीस की सुविधा शुरू होते ही अब फ्रैंकिंग टिकट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके तहत 19 रुपए तक का प्रिंटेड टिकट काउंटर से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि 20 रुपए से लेकर 99 रुपए तक के टिकट के लिए एक फॉर्म भरना होगा। बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मिलिंद कुमार सिन्हा को छेड़खानी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। महिला सहकर्मी से छेड़खानी के आरोप में निलंबित सिन्हा बिहार शिक्षा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिक्षा विभाग ने मिलिंद सिन्हा के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं, साथ ही उन्हें विभागीय कार्रवाई के अधीन भी किया गया है। आज विश्व मृदा दिवस है। इस अवसर पर राज्य के सभी जिला और प्रखंडों में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है।
पंचायतों में वार्ड स्तर पर मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जायेगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि आज से 15 दिसम्बर तक स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग की जानकारी देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने कहा है कि आयकर विभाग जल्द ही पूरे देश में 4 घंटे के भीतर ई पैन देने की शुरूआत करेगा। इसके लिए केवल आधार कार्ड की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 50% इजाफा हुआ है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि कॉलेजों और विभागों के 46 बूथों पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। 6 पदों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। कुल 108 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सेंट्रल पैनल के लिए 9-9 उम्मीदवार अध्यक्ष पद और महासचिव पद के लिए हैं, जबकि उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए 8-8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतों की गिनती का काम आज मतदान के बाद 3 बजे शुरू होगा और देर रात तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। रेलवे ने राजधानी शताब्दी और दुरंतो समेत सभी वातानुकूलित ट्रेनों की एसी बोगियों में महिलाओं के लिए 6 बर्थ आरक्षित करने का फैसला किया है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इनमें महिलाओं की उम्र की कोई बाध्यता नहीं होगी। वहीं अब अन्य ट्रेनों में भी महिलाओं के लिए 10 सीटें आरक्षित होंगी। ये व्यवस्था अगले साल अप्रैल के पहले हफ्ते से लागू होगी। बीएसएनएल उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए सभी जिला मुख्यालय और उप मुख्यालय पर 8 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। जिला और सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार यह अदालत जिला व्यवहार न्यायालय में लगाई जाएगी। इन अदालतों में राज्य भर के 86,376 उपभोक्ता अपने बकाये बिल के निपटारे के लिए अर्जी लगा सकेंगे। विक्रय और विपणन उप महाप्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि लोक अदालत में 50% तक की विशेष छूट का अवसर भी दिया गया है। पटना में खेली जा रही ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट में बिहार की प्रियम कुमारी और असम की देवांगना की जोड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की गौरी जायसवाल और मरियम खान की जोड़ी को पराजित कर दिया। सासाराम में 7 से 9 दिसंबर तक आयोजित होने वाली बिहार राज्य स्कूली बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पटना टीम की घोषणा कर दी गई है। पटना में आयोजित 12वीं राज्य सीनियर स्क्वैश टूर्नामेंट में सनी और मन्नत अगले दौर में प्रवेश कर गई हैं। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान लिखता है, भूमि के पारिवारिक बंटवारे में शुल्क अब 100 रूपये लगेंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पीयू छात्र संघ चुनाव आज रात तक रिजल्ट। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को दिया आदेश, वर्तमान व पूर्व सांसद विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए सभी जिलों में बनेंगे विशेष कोर्ट। प्रभात खबर ने लिखा है, आज बेतिया में सीएम हर घर बिजली योजना का करेंगे निरीक्षण। राष्ट्रीय सहारा ने रेलवे में महिला यात्रियों की सहूलियत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, राजधानी दुरंतो और एसी ट्रेनों में महिला कोटा बढ़ा। आज अखबार की सुर्खी है, बाएं हाथ के भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने तीनों फॉर्मेट से लिया संन्यास। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में अब पैतृक जमीन के बंटवारे के लिए केवल 100 रूपये तक लगेगा स्टाम्प और निबंधन शुल्क। बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मिलिंद कुमार सिन्हा छेड़खानी के आरोप में किए गए निलंबित। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर किया जाएगा। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए हो रहा है मतदान, देर रात तक जारी होंगे परिणाम। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।